ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के बैठकाला आज रायपुर में राखेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह लोगन के समस्या ले लेके आंदोलन करे के बात कही। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हा आज रायपुर जिला के आरंग विधानसभा क्षेत्र में 86,66,00,000 रूपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। और राजनांदगांव में कालीले महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारती हॉकी प्रतियोगिता के शुरुआत करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू सातोठन मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के बैठकाला आज रायपुर के कुशभाव ठाकरे परिसर में राखेगी। ये बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय और मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर के संगे संग प्रदेश के जम्मू मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य मन शामिल हुई। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोठ बात करत भाजपा अध्यक्ष अरुण साव हकीन कि पार्टी के जम्मू मोर्चा मन अपन अपन वर्ग के लोगन मन ले जानकारी लेके उखर समस्या ले लेके आंदोलन करही। उमन कहन कि राज्य के कांग्रेस सरकार हा जम्मू वर्ग मन संग वादा खिलाती करे है। एकर पहली भाजपा के संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी मन के काली राखे गए बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल पार्टी पदाधिकारी मन ला अवैया विधानसभा चुनाव ला ध्यान में राखत रणनीति बनाए बर कहिन। उन्हें प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा हा बतेन की भाजपा कोर ग्रुप के संग छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस भगाओ अभियान टीम के बैठक राखेगी। ये दौरान प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप और कई जिन पदाधिकारी मन शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने की सरकार के हर बजट में गरीब मन के हित ला ध्यान में रखे गए है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल के बैठक में श्री मोदी है कहन की केंद्रीय बजट में समाज के जम्मू वर्ग के मनखे मन ला ध्यान में रख के बजट ला पेश करे गए है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आज रायपुर जिला के आरंग विधानसभा के भानसोज और समोदा गांव पहुंची। ये मौका में उमन आरंग विधानसभा क्षेत्र में 86,66,00,000 रूपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। ये मौका में मुख्यमंत्री हा समोदा ला उप तहसील के दर्जा दे के केंद्रीय बैंक के शाखा खोले और नवा कॉलेज बनाए के घोषणा करी। संगे संग उमन अमोदी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले, भैसा में पुलिस चौकी शुरू करे, भानसोज में बैंक के शाखा खोले और चंदखुरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए के घलो घोषणा करी। उमन कहन की नगर पंचायत मंदिर हसौद के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करे जाही। छत्तीसगढ़ सरकार ला ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर में एक ठन और इनाम पर चुने गए है। छत्तीसगढ़ DMF ऑनलाइन पोर्टल ला कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSIS IG डहर ले परियोजना कैटेगरी के तहत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दे जाही। ये इनाम ला 25 मार्च के नई दिल्ली में रखे गए एक ठन कार्यक्रम में दे जाही। इनाम खातिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन ला बधाई दीन है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करे खातिर कोरिया जिला के सकड़ा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह रानाला नई दिल्ली में लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड ले सम्मानित करे गए है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और योग गुरु आचार्य प्रदुम्न हा उमल्ला ए सम्मान दिन। खबर के मुताबिक शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा हा कोरोना काल में लैका मल्ला सुरक्षित राखत पढ़ाई ले जोड़े रखी से। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगु बढ़बो बांचे समाचार को थी। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम बीजापुर और सुकमा जिला में भाजपा कार्यकर्ता मन के कथित हत्या में
गुस्सा जतावत कीनी की राज्य सरकार हा लोगन मन के जान के रक्षा करे मा असफल हो है। उमन कीन की भाजपा नेता मन ऊपर गला धारा लगाए के बाद अब उखर हत्या घलो करे जाते। श्री नेता मा आरोप लगे है की प्रदेश मा अपराधी मन के हौसला हा बुलंद है। उमन बतें की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी के जगदलपुर आही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन रायपुर समेत प्रदेश भर के आने आने विकास खंड में स्थित LIC और स्टेट बैंक कार्यालय के आगू में धरना प्रदर्शन करी। श्री मरकाम आरोप लगाई है कि कोनो कोनो उद्योगपति मल्ला कथित रूप ले संरक्षण देखातिर LIC और स्टेट बैंक जैसन सार्वजनिक कार्यालय मन में वित्तीय संकट की स्थिति बने है। श्री मरकाम यूकीन की मामला में केंद्र सरकार ला श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में रखे गए 2 दिन के राष्ट्रीय योग कार्यशाला में देश के कई ठी राज्य के संगे संग सिंगापुर और बांग्लादेश ले आए 80 जन प्रतिभागी मना प्रशिक्षण में भाग लेन। ए मौका में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा कीन के कार्यक्रम ले योग ला जाने के मौका मिले। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में कालीले महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत करे जाये। ये प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के संगे संग दूसर राज्य के 22 ठन टीम भाग लेही। प्रतियोगिता में दाई भारतीय टीम के हॉकी खिलाड़ी मन घलो शामिल होही। 16 फरवरी के आखिरी मुकाबला खेले जाये। जांजगीर चांपा जिला के दलहा पहाड़ के जंगल में हाथी के 1 ठन दल बिलासपुर जिला में पहुंच गये। गांव वाले मनहा हाथी के दल ला बिलासपुर के सोंठी जंगल में घूमत देखिन। एकर सूचना ला वन विभाग के अधिकारी मनला दे देगे है। वन विभाग के अधिकारी मनहा हाथी ला जंगल कोती भगाए के प्रयास करत है। और अब थोरकुन समाचार सार में सुन लो। बीजापुर जिला में CRPF के एक झीन जवान अपन आप ला गोली मार के आत्महत्या कर लीन। ये जवान केरल के रवैया रहीन और 3 दिन बाद छुट्टी ले वापिस बीजापुर आये रहीन। दंतेवाड़ा जिला में एक झीन इनामी नक्सली महिला हा पुलिस के आगू में आत्मसमर्पण कर दिन। ए माओवादी हा अब्बर दिन ले नक्सली गतिविधि में शामिल रहिन। रायपुर रेल मंडल के रायपुर उरकुरा डबल लाइन के बीच अंडर ब्रिज बनाए के सेती 9 फरवरी के रतिया 9 बजे ले 10 फरवरी के बिहनिया 4:50 तक ए रद्दा में ट्रेन मन के अवई जवई प्रभावित रही। बिलासपुर जिला के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में आज एक दिन चार पहिया गाड़ी के चपेट में आए ले फटफटी सवार एक झीन माई लोगिन के मौत हो गए। उन्हें एक झीन जवान लड़का गंभीर रूप से घायल हो गए। और जांजगीर चांपा जिला के तागा गांव में एक दिन चरचकिया गाड़ी के टक्कर ले ई रिक्शा में सवार 5 महीना के नानचू लड़का के मौत हो गए। उन्हें 4 झीन मनखे मन थोड़ बहुत चोट लगे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के बैठकाला आज रायपुर में राखेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोगन मन के समस्या लले के आंदोलन करे के बात कहीं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आज रायपुर जिला के आरंग विधानसभा क्षेत्र में 86.66 करोड़ रूपये के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। और राजनांदगांव में कालीले महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के शुरुआत करे जाये। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।